हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार जारी है और आंदोलन का आज 69वां दिन है। इसी बीच गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सरकार के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी मगर कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दे चुके हैं लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से और देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पर हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाए। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उनके उन पर नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे हैं अभी तक लापता है। ये सब सरकार के एक डरी हुई सरकार है उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पर अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाए।